बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 1, एक्सरसाइज 1.3, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। तो इसमें स्टूडेंट्स आज हम फर्स्ट 5 पार्ट्स करते हैं। ये फर्स्ट 5 पार्ट्स एक ही टाइप के हैं। दिस इज़ फर्स्ट क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको याद है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी इक्वेशन होती है? एक ऐसी इक्वेशन जिसमें x की मैक्सिमम पावर 2 होती है, तो ऐसी इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, क्योंकि इसमें x की मैक्सिमम पावर 4 है। अगर इसमें x की मैक्सिमम पावर 2 होती तो फिर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होनी थी। तो स्टूडेंट्स, इसका रूल ये है कि सबसे पहले तो इसको हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करना है, देन क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो बनेगी उस पे हम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, क्वाड्रेटिक फार्मूला या फिर फैक्टराइजेशन मेथड अप्लाई करके इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट स्टेप में हमने ये करना है कि जो मैक्स मिनिमम पावर वाला जो एक्स है, ठीक है, उसको हमने वायलेट कर लेना है। तो आप देख सकते हैं इन दोनों में से मिनिमम पावर वाला जो एक्स है, ठीक है, वो ये है एक्स स्क्वायर। तो इसको स्टूडेंट्स हमने वायलेट कर लेना है। लेट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई। अब दोनों तरफ स्क्वायर अप्लाई करना है। एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर इज इक्वल टू वाई होल स्क्वायर। एक्स 4 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स, 2 एज इट इज राइट करना है। यू नाउ एक्स की पावर 4 की जगह आप वाई स्क्वायर पुट कर सकते हैं। माइनस 11 एज इट इज। एक्स स्क्वायर की जगह ये वाई पुट करना है। प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। अब इस पर फैक्टराइजेशन मेथड अप्लाई करते हैं। यू नो अबाउट द फैक्टराइजेशन मेथड। 2 और 5 को मल्टीप्लाई करना है। 2 5 जा 10। अब स्टूडेंट्स, 10 को देखना है कौन कौन से टेबल में आता है। यू नो 2 के टेबल में आता है 10। 3 4 के टेबल में नहीं आता। 5 के टेबल में आता है 10। 6 7 8 9 के टेबल में नहीं आता 10। 10 के टेबल में आता है 10। 10 1 10। 2y स्क्वायर एज इट इज़ आ जाएगा। 11 की जगह ब्रैकेट हम लगाएंगे और y एज इट इज़ प्लस 5 इज इक्वल टू 0 एज इट इज़ आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स, हमें इनमें से वो पेयर चूज़ करना है जिसको प्लस या माइनस करने से हमारा आंसर ये वाई का कोएफिशिएंट 11 आए। यू नाउ 2 और 5 की एडिशन से 7 आता है, ठीक है, 10 नहीं आता। इनकी सब्ट्रैक्शन से 3 आता है, 10 नहीं आता, तो इसको हमने कट कर दिया है। 5 और 2 की एडिशन से 7 आता है, माइनस करने से 3 आता है, जबकि हमें क्या चाहिए, 11 चाहिए। और यू नो स्टूडेंट्स, 10 और 1 की एडिशन से 11 आता है, तो ये पेयर जो है हमारे लिए सूटेबल है। सो 10 प्लस 1 इज इक्वल टू 11। 2y स्क्वायर एज इट इज माइनस 10 प्लस 1 11y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। सॉरी स्टूडेंट्स, इसको मैंने दोबारा ऐड कर लिया है, ठीक है, ये स्टेप नहीं होगा। इसके बाद 2y स्क्वायर, y को इन दोनों नंबर्स से सेपरेट मल्टीप्लाई करना है। माइनस 10y टाइम्स 10y माइनस प्लस माइनस 1y इज अ y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स, 2y स्क्वायर माइनस 10y में से 2y कॉमन आ गया, y माइनस 5 10, और इसमें से माइनस 1 कॉमन आ चुका है, y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स, y माइनस 5 कॉमन आ जाएगा, 2y माइनस 1 लेफ्ट इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स, यू नो इन दोनों को अलग अलग 0 के इक्वल पुट करना है। y माइनस 5 इज इक्वल टू 0, 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से y की वैल्यू 5 और यहाँ से y की वैल्यू 1/2 आ चुकी है। अब स्टूडेंट्स, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये जो हमारा क्वेश्चन है ये x की फॉर्म में है, ठीक है, तो हमें आंसर भी
एक्स में ही चाहिए, ठीक है, ये वाई में है ना, आंसर भी हमें एक्स में ही चाहिए, तो इसलिए हम वाई की जगह, ये जो वाई है ठीक है, इसकी जगह एक्स स्क्वायर पुट कर लेते हैं, वाई की जगह हमें एक्स स्क्वायर पुट करना है और इज इक्वल टू फाइव, और यहाँ भी वाई की जगह एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वन बाई टू। अब स्टूडेंट्स दोनों तरफ यू नाओ स्क्वायर रूट अप्लाई करना है ताकि हमें x की वैल्यू मिल सके। सो x ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल, प्लस माइनस स्क्वायर रूट फाइव, और यहाँ से x की वैल्यू आ चुकी है प्लस माइनस यू नो स्क्वायर रूट ऑफ वन इज वन, और टू का स्क्वायर रूट पॉइंट में आएगा, पॉइंट में हमें नहीं राइट करना, तो ये एज इट इज़ आ जाएगा स्क्वायर रूट टू। सो आवर सॉल्यूशन सेट इज प्लस माइनस स्क्वायर रूट फाइव प्लस माइनस वन ओवर स्क्वायर रूट टू। गॉट इट स्टूडेंट्स, दिस इज सेकंड क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स जैसे कि आप जानते हैं मिनिमम पावर वाला जो एक्स है वो ये है, ठीक है, इसको हमने लेट करना है वाई, लेट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, दोनों तरफ स्क्वायर अप्लाई करना है, एक्स फोर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, एक्स की पावर फोर की जगह हमने ये वाई स्क्वायर पुट करना है, टू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर की जगह वाई पुट करना है, नाइन एक्स स्क्वायर सॉरी नाइन वाई माइनस फोर, ये ना इसको एक साथ करके लिख लेते हैं, नाइन नाइन वाई माइनस फोर, इन दोनों को लेफ्ट हैंड साइड में ले आते हैं, टू वाई स्क्वायर माइनस नाइन वाई प्लस फोर इज इक्वल टू ज़ीरो। ये स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। नाउ टू फोर ज़ा एट, टू के टेबल में एट आता है, टू फोर ज़ा एट, थ्री फोर थ्री के टेबल में नहीं आता एट, फोर के टेबल में एट आता है, फाइव सिक्स सेवन ठीक है, इन टेबल्स में एट नहीं आता, एट के टेबल में एट आता है। टू वाई स्क्वायर एज इट इज माइनस नाइन की जगह ब्रैकेट वाई प्लस फोर इज इक्वल टू ज़ीरो। अब स्टूडेंट्स इनमें से वो पेयर चूज़ करना है जिसको प्लस या माइनस करने से ये वाई का कोएफिशिएंट नाइन आए। यू नाओ टू प्लस फोर सिक्स है जबकि हमें नाइन चाहिए, माइनस करने से टू आता है, फोर माइनस टू इज इक्वल टू टू, तो ये हमें नहीं चाहिए, और फोर प्लस टू सिक्स, फोर माइनस टू इज इक्वल टू टू, ये भी हमें नहीं चाहिए। अब स्टूडेंट्स इसको हम देखते हैं, एट प्लस वन इज इक्वल टू नाइन, तो ये स्टूडेंट्स हमारे लिए सूटेबल है, एट प्लस वन इज इक्वल टू नाइन, टू वाई स्क्वायर, वाई को इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है, माइनस एट वाई माइनस वाई प्लस फोर इज इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ से टू वाई कॉमन, y माइनस टू फोर ज़ा एट, यहाँ से माइनस वन कॉमन, y माइनस फोर इज इक्वल टू ज़ीरो, यहाँ से स्टूडेंट्स y माइनस फोर कॉमन आ चुका है, y माइनस फोर, एंड टू वाई माइनस वन लेफ्ट इज इक्वल टू ज़ीरो। अब इन दोनों को अलग अलग ज़ीरो के इक्वल पुट करते हैं, y माइनस फोर इज इक्वल टू ज़ीरो, टू वाई माइनस वन इज इक्वल टू ज़ीरो, y इज इक्वल टू फोर, टू वाई इज इक्वल टू वन, वाई इज इक्वल टू वन बाई टू। अब स्टूडेंट्स यू नो वाई की जगह हमने ये एक्स स्क्वायर पुट करना है, ये आप देख सकते हैं ये एक्स स्क्वायर, सो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू फोर, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वन बाई टू, दोनों तरफ यू नो स्क्वायर रूट अप्लाई करना है फिर ही हमें एक्स की वैल्यू मिल सकेगी। स्क्वायर स्क्वायर से कैंसिल, एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट फोर टू, और यहाँ स्टूडेंट्स
स्क्वायर रूट अगेन अप्लाई करना है, 1/2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट कैंसिल, सो एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट 1 का 1 है और इसका पॉइंट में आएगा, पॉइंट में हमें नहीं लिखना इसलिए एज इट इज स्क्वायर रूट 2, 1 का स्क्वायर रूट यू नो ये 1 आ चुका है और इस पे हम स्क्वायर रूट एज इट इज राइट कर लेंगे क्योंकि ये जो 2 का स्क्वायर रूट है वो पॉइंट में आएगा, पॉइंट में हमें नहीं राइट करना, ठीक है। सो सॉल्यूशन सेट इज प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 1 ओवर स्क्वायर रूट 2। दिस इज थर्ड क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स इसमें जो मिनिमम पावर वाला एक्स है वो हमें सेलेक्ट करना है, यू नो 1/2 0.5 के इक्वल है और ये 1/4 जब आप इसको कैलकुलेटर पे करेंगे 1/4 तो ये 0.25 है। इट मीन्स ये जो 1/4 है ठीक है ये स्मॉलर है। तो स्टूडेंट्स x 1/4 को हम लेट करेंगे y। नाउ टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स x 1/4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू y होल स्क्वायर, x 1/4 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू y स्क्वायर, 2 ones are 2, 2 ones are 4, सो x 1/2 इज इक्वल टू y स्क्वायर, 5 एज इट इज ये x 1/2 की जगह ठीक है y स्क्वायर पुट करना है इज इक्वल टू 7, x 1/4 की जगह ये y पुट करना है ठीक है माइनस 2। अब इन दोनों को लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे इज माइनस ये माइनस है माइनस 7y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यू नाउ स्टूडेंट्स ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है, अब इस पर क्वाड्रेटिक बल्कि फैक्टराइजेशन मेथड अप्लाई करते हैं, 5 2s are 10, यू नाउ 2 के टेबल में 10 आता है, 3 4 के टेबल में 10 नहीं आता, 5 के टेबल में 10 आता है, उसके बाद 6 7 8 9 के टेबल में 10 नहीं आता और 10 के टेबल में 10 आता है। नाउ 5y² एज इट इज माइनस 7 की जगह ब्रैकेट y एज इट इज प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स इन पेयर में से यू नो वो पेयर चूज करना है जिसको प्लस या माइनस करने से ये 7 आए, तो स्टूडेंट्स 2 प्लस 5 इज इक्वल टू 7, तो ये आ जाए 2 प्लस 5 इज इक्वल टू 7, 5y² y को इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है, माइनस 2y माइनस 5y प्लस 2 इज इक्वल टू 0, यहाँ से 2y कॉमन, सॉरी जस्ट y कॉमन, 5y माइनस 2 और यहाँ से स्टूडेंट्स माइनस 1 कॉमन, 5y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब 5 माइनस 2 कॉमन, y माइनस 1 लेफ्ट इज इक्वल टू 0, नाउ 5 y माइनस 2 इज इक्वल टू 0, y माइनस 1 इज इक्वल टू 0, 5y इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 2/5 और यहाँ से y 1, यू नाउ y की जगह ये x 1/4 को पुट करना है, x 1/4 इज इक्वल टू 2/5। अब स्टूडेंट्स हमें x चाहिए, यू नाउ x 1/4 तो नहीं ना चाहिए, तो ये पावर को ख़त्म करने के लिए हमें दोनों तरफ
4 होल पावर 4 अप्लाई करना है, 2/5 होल पावर 4, एक्स 1/4 मल्टीप्लाई बाई 4, 4 कैंसिल, 2 की पावर 4 यू नाउ 16, एंड 5 की पावर 2 यू नाउ स्टूडेंट्स इट्स 100. सॉरी स्टूडेंट्स, ये 625 है. जब आप कैलकुलेटर में 5 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका आंसर 625 आएगा. गॉट इट स्टूडेंट्स? अब इसको नेक्स्ट पेज पे करते हैं. तो ये स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं, यहाँ x आ चुका है. सो x इज इक्वल टू 16 over 625. और यहाँ स्टूडेंट्स y की वैल्यू यू नाउ x की पावर 1/4 है, ठीक है, इसको पुट करना है, इज इक्वल टू 1, दोनों तरफ होल पावर 4 अप्लाई करना है, x 1/4 मल्टीप्लाई बाई 4 इज इक्वल टू 1, 4 कैंसिल, सो x इज इक्वल टू 1. गॉट इट स्टूडेंट्स? सो आवर सॉल्यूशन सेट इज दिस वन, 16 over 625, एंड this one. This is question number 4. तो इसमें स्टूडेंट्स सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि 1/3 स्मॉलर है या 2/3. तो इसको डिवाइड कर लेते हैं 2/3 को और 1/3 को. सो 2/3 0.6, 1/3 0.3. तो ये स्टूडेंट्स 0.3 स्मॉलर है, मतलब 1/3 स्मॉलर है. इट मीन्स x 1/3 को y लेट करना है. सो लेट x 1/3 इज इक्वल टू y. नाउ टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, x 1/3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू y होल स्क्वायर, x 2/3 इज इक्वल टू y स्क्वायर. यू नाउ स्टूडेंट्स 1/3 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2/3 आता है. अब स्टूडेंट्स x 2/3 की जगह ये y स्क्वायर पुट करना है. सो y स्क्वायर प्लस 54 इज इक्वल टू 15, और x 1/3 की जगह ये y पुट करना है. सो 15y. अब इसको लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे. सो y स्क्वायर प्लस 54 ये लेफ्ट हैंड साइड में आके माइनस में चेंज हो जाएगा, माइनस 15y इज इक्वल टू 0. अब स्टूडेंट्स यू नाउ ये आपने मिस्टेक नहीं करनी कि आप y स्क्वायर के कोएफिशिएंट 1 को और y के कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है. इसको आपने अरेंज करना है पहले. सो y स्क्वायर माइनस 15y, इसको पहले लिख लिया, और इसको लास्ट में कांस्टेंट प्लस 54 इज इक्वल टू 0. अब स्टूडेंट्स ये y स्क्वायर के कोएफिशिएंट 1 को और ये जो कांस्टेंट टर्म है इसको मल्टीप्लाई करना है 154 टाइम्स 54. तो ये स्टूडेंट्स 54 2 के टेबल में भी आता है, 2 27s are 54, 3 के टेबल में आता है, 3 18s are 54, 6 के टेबल में आता है, 6 9s are 54, और 9 के टेबल में आता है, 9 6s are 54. y स्क्वायर माइनस 15 की जगह ये ब्रैकेट y एज इट इज प्लस 54 इज इक्वल टू 0.
यू नाउ स्टूडेंट्स, इसमें से वो टेबल चूज करना है जिसको प्लस या माइनस करने से ये वाई का कोएफिशिएंट 15 आए। तो ये जो फर्स्ट टेबल है इसको देखते हैं, 2 + 27 = 29, जबकि हमें 15 चाहिए। माइनस करने से 27 - 2 ये आता है 25, जबकि स्टूडेंट्स यू नाउ हमें 15 चाहिए, तो ये हमें नहीं चाहिए। नेक्स्ट, 3 + 18 = 21, ठीक है, यू नाउ हमें 15 चाहिए। 18 - 3 = 15, तो ये स्टूडेंट्स 15 आता है। लेकिन आपने इस क्वेश्चन में याद रखना है, इस टेबल को नहीं आपने सेलेक्ट करना। वी नाओ कि ये 18 में से 3 माइनस करने से 15 आ गया है, लेकिन इस क्वेश्चन की सिर्फ स्टूडेंट्स आपने पहचान रखनी है, हमने इस टेबल को चूज़ नहीं करना, क्योंकि आगे हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट होगी। आप चाहे इसको करके देख लीजिएगा, तो इसलिए यह आपने बस पहचान रखनी है, इस क्वेश्चन में आपने ये टेबल चूज़ नहीं करना। अब नेक्स्ट देखते हैं, 6 + 9 = 15, तो इसको स्टूडेंट्स इस टेबल को हमने चूज़ करना है, ठीक है। इसको ऐड करने से ये 15 आ गया है, सो 6 + 9 = 15। वाई स्क्वायर, वाई को इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है, -6y - 9y + 54 = 0। नाउ इसमें से y कॉमन, y - 6, और यहाँ से -9 कॉमन, y - 9, 6 और 54 = 0। अब स्टूडेंट्स यहाँ से y - 6 कॉमन, y - 6, y - 9 लेफ्ट इज इक्वल टू 0। इसको इन दोनों को अलग अलग 0 के इक्वल पुट करते हैं, सो y - 6 = 0, y - 9 = 0, सो y = 6 and y = 9। अब फाइनली स्टूडेंट्स यू नो y की जगह ये पुट करना है x 1/3 को, सो x 1/3 = 6, x 1/3 = 9। दोनों तरफ यू नो होल पावर 3 अप्लाई करनी है, 6 cube, x 1/3, 3, 9 whole power 3। यहाँ स्टूडेंट्स इस स्टेप के बाद जो नेक्स्ट स्टेप है, x 1/3 × 3, 6 cube, मतलब 6 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, या फिर 6, और यहाँ जो क्यूब है आपने सर्च आउट करना है, क्यूब कहाँ है, ये रहा क्यूब, 216, 216, और x 1/3 × 3 = 9 cube, 9 cube, 729, got it students, 9 का क्यूब 729 आया है। नाउ कैंसल, x = 216, यहाँ से 3 कैंसल, x = 729, सो आवर सॉल्यूशन सेट इज 216 729। वर स्टूडेंट्स दिस इज क्वेश्चन नंबर 5। तो इसमें स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं ये जो पावर्स हैं ये नेगेटिव पावर्स हैं। यू नाउ स्टूडेंट्स जो नेगेटिव नंबर्स होते हैं उनका उल्टा हिसाब होता है, तो फिर इन दोनों में से जो छोटा नंबर है ऑब्वियसली वो -2 है। तो स्टूडेंट्स इसको अगर हम लेट करें, लेट x - 2 = y, नाउ टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, y होल स्क्वायर, x - 4 × 4 और y स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स x की पावर -2, इसकी जगह तो हम y पुट कर लेंगे, तो x की पावर -4 तो यहाँ है ही नहीं, इट मीन्स कि ये रॉन्ग है।
इस क्वेश्चन में स्टूडेंट्स आपने ये पहचान रखनी है कि जो x की पावर माइनस वन है, ठीक है, इसको आपने y लेट कर लेना है. लेट x माइनस वन इज इक्वल टू y. नाउ टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, x माइनस वन होल स्क्वायर इज इक्वल टू y होल स्क्वायर. x माइनस वन मल्टीप्लाई बाई टू y स्क्वायर. x माइनस टू इज इक्वल टू y स्क्वायर. अब स्टूडेंट्स x माइनस टू की जगह ये y स्क्वायर यहाँ पुट करना है और x माइनस वन की जगह ये y यहाँ पुट करना है. सो 3y स्क्वायर प्लस 5 इज इक्वल टू 8y. यू नाउ स्टूडेंट्स इसको लेफ्ट हैंड साइड में ले आना है. 3y स्क्वायर माइनस 8y प्लस 5 इज इक्वल टू 0. अब स्टूडेंट्स ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है. फैक्टराइजेशन मेथड अप्लाई करते हैं. 3 5 जो 15, यू नाउ 15 2 के टेबल में नहीं आता, 3 के टेबल में आता है. 3 5 जो 15, 5 के टेबल में आता है. 5 3 जो 15, उसके बाद 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है, इन टेबल्स में नहीं आता. 15 15 अपने ही टेबल में आता है. 15 1 जो 15, यू नाउ स्टूडेंट्स इनमें से वो टेबल चूज़ करना है जिसको प्लस या माइनस करने से ये y का कोएफिशिएंट 8 आए. तो उससे पहले हम ये राइट कर लेते हैं. 3y स्क्वायर माइनस 8 की जगह ये ब्रैकेट y प्लस 5 इज इक्वल टू 0. अब इनमें से वो टेबल चूज़ करते हैं जो जिसको प्लस या माइनस करने से ये 8 आए, ठीक है. तो स्टूडेंट्स फर्स्ट वाला टेबल देखते हैं. 3 प्लस 5 इज इक्वल टू 8. तो ये फर्स्ट वाला पेयर ही स्टूडेंट्स क्वालिफाई कर गया है. सो 3 प्लस 5 इज इक्वल टू 8. नाउ 3 वाई स्क्वायर, वाई को इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है, यू नाउ. सो माइनस 3 वाई माइनस 5 वाई प्लस 5 इज इक्वल टू 0. यहाँ से 3 वाई कॉमन आ गया है. सो वाई माइनस 1 लेफ्ट, यहाँ से माइनस 5 कॉमन, y माइनस 1 लेफ्ट इज इक्वल टू 0. अब स्टूडेंट्स यू नो y माइनस 1 कॉमन एंड 3y माइनस 5 लेफ्ट इज इक्वल टू 0. इन दोनों को 0 के इक्वल पुट करना है. y माइनस 1 इज इक्वल टू 0, 3y माइनस 5 इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 1, 3y इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू 5/3. यू नाउ y की जगह ये x माइनस 1 पुट करना है. सो x माइनस 1 इज इक्वल टू 1. अब स्टूडेंट्स इसको हम राइट कर सकते हैं 1 ओवर x. ये इसका रेसिप्रोकल हो गया, ठीक है. जब इसको हम डिनोमिनेटर में लेके गए बटे में, तो ये नेगेटिव साइन जो है ये पॉजिटिव में चेंज हो गया, इज इक्वल टू 1. अब स्टूडेंट्स क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं. यू नाउ इसका डिनोमिनेटर 1 है. 1 1 ज़ा 1 इज इक्वल टू x, 1 ज़ा x. सो x इज इक्वल टू 1. और यहाँ भी यू नाउ x माइनस 1 पुट करना है, इज इक्वल टू 5/3. 1 ओवर x इज इक्वल टू 5/3. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 1 3 इज अ 3, x 5 इज अ 5. x ये 5x को पहले राइट कर लेंगे और 3 को बाद में. सो 5x इज इक्वल टू 3 और यहाँ से x की वैल्यू 3/5. सो आवर सॉल्यूशन सेट इज ये 1 और यहाँ से 3/5. गॉट इट स्टूडेंट्स? तो ये था स्टूडेंट्स आज का हमारा लेक्चर. आई होप कि आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा. स्टूडेंट्स अगर आपको किसी भी पॉइंट में कोई प्रॉब्लम हुई है तो आप ज़रूर कमेंट में बताइएगा. मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में. अल्लाह हाफिज़.